What's up guys, मैं मांशु, welcome to my YouTube channel, Mercury Vlogs. तो आज हम जा रहे हैं जावा के शोरूम, वहाँ के जावा के टेस्ट राइड लेने के लिए. अभी मैंने जावा के शोरूम में कॉल किया है तो वो कह रहे कि जावा 42 अवेलेबल है टेस्ट राइड के लिए, नॉट दी जावा क्लासिक, बिकॉज कह रहे कि दोनों का इंजन सेम है, सिर्फ बॉडी का कलर अलग है, क्योंकि जावा जो क्लासिक है क्रोम लुक है, एंड जावा 42 का आप जानते हो नॉर्मल सियान कलर या क्रीमिश कलर है. एंड सर्विस कॉस्ट का देखता हूँ, हो सके तो वो बताएंगे सर्विस कॉस्ट कितनी होगी, बिकॉज गाइस काफ़ी टाइम बाद जावा इंडिया में लॉन्च हो रही है, काफ़ी सालों बाद. तो जावा की बुकिंग तो चालू है, बट सप्लाई जो होगी, डिलीवरीज होगी तो मार्च में होगी. जावा की वेबसाइट में लिखी है कि मार्च में ये लोग सप्लाई करेंगे शुरू डिलीवरी करना. तो मैंने बताया, मैं ट्राई करता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि गाइस खरीदना आसान है कोई भी गाड़ी या गाड़ी या कोई भी चीज़ खरीदना आसान है, बट उसे मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है, बिकॉज हमें सर्विस कॉस्ट कितनी होगी उसे पता नहीं. गाइस तो गाइस हम चलते हैं जावा के शोरूम. तो गाइस हम आ गए जावा के शोरूम में, बैंगलोर में ये शोरूम है, नाम काफी ऊपर लिखा है इन लोगों ने, हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, हम आगे निकल चुके थे. तो अभी टेस्ट राइड लेते हैं हम जावा क्लासिक की. क्लासिक टेस्ट राइड दे नहीं रहे एक्चुअली ये लोग, हम जावा 42 की टेस्ट राइड लेंगे. जावा क्लासिक सिर्फ 2 पीस के रखी है उन्होंने दिखाने के लिए, सिर्फ जावा 42 की टेस्ट राइड मिल रही है यहाँ पे. तो हम अभी टेस्ट राइड करते हैं, रिव्यू करते हैं बाइक कैसी है, इनका कैसा कुछ है. सो लेट्स गो इन. पावर तो सही है इस गाड़ी का, और साथ में पिलियन भी है यहाँ का बंदा जो गाइड कर रहा है कि कहाँ जाने के लिए. फील तो सही गाड़ी का है, इस पावर है. साउंड तो आ ही रहा होगा, माइल्ड साउंड है इस. तीन सौ सीसी गाड़ी है, 298 सीसी गाड़ी है ये. एंड अब देखो स्पीडोमीटर यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, एकदम नॉर्मल गाड़ी है, सेंटर में दे नहीं रखा जैसे बुलेट में या जावा क्लासिक में है. इसका ये सिर्फ ये था लुक अलग है क्लासिक से, क्लासिक एंड जावा 42 का इंजन सेम है. फील सही है, सही क्रूजिंग गाड़ी है. इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन है नहीं जितनी बुलेट में होती है, जैसे बुलेट 350 चलाओगे तो उतनी वाइब्रेशन जो आती है बुलेट 350 में, उतनी वाइब्रेशन इसमें तो नहीं है. गियर शिफ्टिंग में काफ़ी स्मूथ है इसकी, और वैसे भी नई गाड़ी है हम कुछ कह नहीं सकते, बस वेट करो कोई बंदा खरीद ले, इसका रिव्यू दूंगा मैं. पावर अच्छा है, पावर अच्छा है, एंड ज़्यादा डिस्टर्बिंग या अनॉइंग साइलेंसर की साउंड नहीं है, सूदिंग है, सूदिंग साउंड है इसकी. तो हमारी टेस्ट खत्म हो गई है, एंड टेस्ट के बाद और बातें बताता हूँ उस गाड़ी के बारे में. तो बस गाड़ी पास आ गई. सो गाइस हमने जावा 42 की टेस्ट राइड ले ली है, एंड जावा क्लासिक की टेस्ट राइड दी नहीं इन्होंने, जैसे को बताया मैंने, इन्होंने शो की रखी है. एंड जावा क्लासिक की कॉस्ट 2,20,000 है ऑन रोड बैंगलोर में, एंड जावा 42 की कॉस्ट है 2,10,000 ऑन रोड.
एंड अगर देखा एक्सोरूम के पास अगर पूछ तो एक्सोरूम की प्राइस है 1,58,000 जावा 42 की एंड 1,68,000 जावा क्लासिक की। एंड मैंने और इन्फॉर्मेशन पता करी कि मेंटेनेंस क्या होगा इस बाइक का, ये काफ़ी सही मेंटेनेंस वाली बाइक है, वो बता दो क्यों। तो गाइस क्यों इतनी इनकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइस इससे 2 साल में इनकी 4 सर्विस है जो फ्री है, जो कॉस्ट करेगी 1,000 रुपीज़, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल है यूज़ जो काफ़ी महंगा आता है, आप जानते हो सिंथेटिक ऑयल कितना महंगा आता है। एंड इसकी पेड सर्विस कॉस्ट करेगी बस 500 रुपये बढ़ के 1,500 रुपीज़, नॉर्मल फ्री सर्विस कॉस्ट 1,000 करेगी एंड पेड सर्विस करेगी 1,500, जो कि 5/5 सर्विस होगी आपकी। एंड पहले की 4 सर्विस फ्री है जो 1,000 कॉस्ट करेगी। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि पहली सर्विस 1,000 किलोमीटर्स पे है जो ब्रांड हर गाड़ी की होती है, एंड सेकेंड सर्विस 3,000 किलोमीटर पे है, एंड थर्ड सर्विस 9,000 किलोमीटर पे, एंड फोर्थ सर्विस गाइस 18,000 किलोमीटर्स पे है। तो ये रेंज काफ़ी अच्छी है, आप सोचिए जब इनकी सर्विस का रेंज इतना बड़ा है और इतनी कम मेंटेनेंस है, तो सोचे इंजन काफ़ी सही डिज़ाइन है, तो मुझे इंजन काफ़ी सही भी लगा, सूदिंग लगा, उतना डिस्टर्बिंग या अनॉइंग साउंड है नहीं कि एकदम, और वाइब्रेशंस काफ़ी कम है नॉर्मल क्रूजिंग बाइक से लेके, काफ़ी अच्छी बाइक है ये। आप देखो आगे ट्राई करो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं तो कहता हूं भाई टेस्ट राइड ले लो, अगर आप सोच रहे हो क्रूजिंग बाइक लेने का तो आप ज़रूर लोगे, क्योंकि आप चक के देखो बाइक बहुत बढ़िया बाइक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, बाय बाय गाइस।